बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद है सब दोस्तों को खैरियत होंगे। मंगल का दिन है, 24 मई है 2024, चार ज़ीकाद है, एक जेट है, 7321+ और कुमुलेटिव इंडेक्स 74,531। आपको कल मैंने कहा था कि मार्केट 74,000 का तोड़ देगी और मार्केट ने यही किया, आज 74,531 कर दिया। मार्केट की अभी भी एपेटाइट बहुत है, इसमें कुछ पहली स्टॉक्स हैं जो काफ़ी काम कर रहे हैं। मैंने कल भी उनको कहा था कि बैंक ऑफ पंजाब अच्छा है और सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंक भी है और एक और बैंक है जिसके ऊपर नज़र रखें, दैट इज़ BML बैंक मकर में लिमिटेड, 1.99 रुपये पे चल रहा है। ये देखिए इसमें कभी भी शोला आ सकता है, कब शोला आता है अगर मुझे पता हो तो मैं स्टॉक एक्सचेंज खरीद लेता हूँ। बहरहाल आज हम आपके लिए लेके आए पहले पाकिस्तान ऑयलफील्ड्स, ये मेरे भाई अबू बकर की फरमाइश कर रहा हूँ। लास्ट हमने कहा था इसको 15/2/2004 को और उस वक्त रेट था 416.10 रुपये। आज इसका रेट है 506.10 रुपये। वॉल्यूम इससे बहुत अच्छा है, 7,05,269, ओपन 521, 20 रुपये की फ्लक्चुएशन है। तो अच्छा शेयर जाता है, मगर ये आप देखिए कि आपने जो 52 वीक के रेंज अपर लिमिट में आ चुका है। इसको हमेशा मैं कंपेयर करता हूँ दो शेयर्स को, बहुत अच्छी मैं कंपैरिजन है इसका और मिलेट ट्रैक्टर का, क्योंकि बहुत स्टडी है, चल देते हैं। एक चीज़ याद रखिए, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की वो कंपनी है जिसका सर्कुलर डेट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गैस बनाते हैं, खुद ही कंज्यूम करते हैं और खुद ही बेचते हैं, गवर्नमेंट को नहीं देते, इस वास्ते इनका सर्कुलर डेट नहीं है। इन्होंने 6 फरवरी 2024 को 25 रुपये ड्यूट दिया था, जो कि 19/2 से 21/2 तक इसका बुक क्लोजर था। इस वजह से कंपनी बहुत फाल है, ज़्यादा इस कंपनी के बारे में नहीं बोलते, इसमें वेल मैनेज कंपनी है और ऑयल ढूंढते हैं, ज़ेर ज़मीन मादनियात को निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं, गैस निकालते हैं और इसको प्रोटेक्शन होता है। इनका EPS 2023 का 128.42 है और थर्ड क्वार्टर के इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। अब जून क्वार्टर इसका बहुत अच्छा है, उसको हम देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। जनाब इनका देख लीजिए, 43.55 रुपीज़ था, थोड़ा सा पिछली तरह से डिप्रेस है, मगर इनका लास्ट क्वार्टर हमेशा बेहतर है। रिकमेंडेशंस, व्हेन टू बाय द शेयर, एट व्हाट रेट टू बाय द शेयर एंड हाउ टू कीप द शेयर, इस शेयर को खरीदें अभी, 500 से नीचे खरीदें, कितने दिन रखना है, आपने इसको सितंबर तक रखना है और इसका डिविडेंड खाना है। रिपीट करता हूँ, एंट्री इन द शेयर अंडर 500 रुपीज़, कीप इट टिल सितंबर, इंशाल्लाह ये आपको सैर कराएगी। ये बिल्कुल मिलर ट्रैक्टर्स के मुकाबले की कंपनी है और ये है कि ये बोनस कम देते हैं, मिलर ट्रैक्टर्स बोनस देते हैं। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, हमारे चैनल का ख्याल रखिए, हमारे दूसरे चैनल का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। वस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबी।